सोलन में भाजपा और कांग्रेस में वाकयुद्ध छिड़ चुका है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता द्वारा स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को वाणी पर विराम देने और चुप न रहने की सूरत में घेराव की चेतावनी को लेकर मीडिया में दिए गए बयान पर कांग्रेस तिल मिला गई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सरदार सिंह और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने सोलन में आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष जिनका खुद का वार्ड आज विकास की बाट चू रहा है, जहां सफाई व्यवस्था बदहाल है, जिनके वार्ड में विधायक निधि के पैसे से विकास करवाया जा रहा है, भाजपा के ऐसे लोग स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल से विकास का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि सोलन में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वह सभी कार्य विधायक निधि से ही चल रहे हैं। शांति बाईपास हो या रेस्ट हाउस की पार्किंग या पैदल पथ, यह सभी कार्य धनीराम शांडिल की ही देन है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने सोलन में खुद तो एक भी विकास का कार्य पिछले दो वर्षों में नहीं किया, बल्कि जो विकास कार्य किए जा रहे थे उनमें भी रोड़े अटका दिए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी है कि वह कर्नल धनीराम शांडिल के घेराव की बात कह रहे हैं तो वह भी उस घेराव का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। वहीं शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि अगर भाजपा को घेराव करने का ही शौक है तो वह पहले जाकर नगर परिषद का घेराव करे, क्योंकि नगर परिषद की अव्यवस्थाओं से आज शहर का हर नागरिक दुखी है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था चौपट है, शहर से कूड़ेदानों को हटाकर स्वच्छ सोलन को कूड़ेदान बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष से पानी के मुद्दे को लेकर उलझे हुए हैं। अंकुश सूद ने कहा कि उनके नेता कोई भू माफिया नहीं है कि वह जहां चाहे वहां आलिशान बंगला बना ले, इसलिए कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता विधायक धनीराम शांडिल रेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में रहते हैं ताकि वह शहर वासियों की समस्याओं को सुन सके। कि जो कांग्रेस के विधायक हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी, वो बीजेपी के विधायकों की तरह कोई भू माफिया नहीं है कि जहाँ पर जो भी कोई प्रोजेक्ट मिल निकला या जिस गांव में भी जहाँ पर भी सड़क बनाई वहीं पर अपने लिए एक ज़मीन खरीद के एक आशियाना बना डाला। कर्नल धनीराम शांडिल एक ईमानदार और सच्चे पक्के नेता हैं, यही कारण है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ना बनाते हुए रेस्ट हाउस के सरकारी कमरे में रहते हैं। सिर्फ 12x12 का कमरा है, आप आइए, जिस कमरे की बात बीजेपी वाले करते हैं, आइए और उस कमरे में रह के देखिए जरा कि जो डॉक्टर होने के बाद, रिटायर्ड कर्नल होने के बाद, दो बार एमपी रहने के बाद और दूसरी बार एमएलए चुने जाने के बाद भी एक इतनी सिंपल लिविंग लाइफ जी रहे हैं, किस लिए? लोगों के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। वे जानते हैं कि अगर वो बड़े बड़े महल बना देंगे, वहाँ बड़े बड़े कमरे बना देंगे तो आम जनता को उन तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो है वो रेस्ट हाउस में रहते हैं, जो कि एक सरकारी जगह है जहाँ पर हर एक आम आदमी आकर जो है अपनी बात रख सकता है। शायद इसी बात की जो मिर्ची है वो दूसरी पार्टी को लग रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर घेराव करेंगे। अरे अगर आपने घेराव करना है तो सबसे पहले आप उस नगर परिषद का जाके घेराव कीजिए जिसने सोलन में सारे डस्टबिन उठा दिए और पूरे सोलन को ही जो है वो कूड़ेदान बना दिए हैं। जो तो हमारे साथ लगते इलाके हैं शहर के, वो तो इतने परेशान हैं कि घर का कूड़ा कहाँ फेंके, कहाँ ले जाएँ और क्या ना कर दे, इतनी मुश्किल उनको आ रही है क्योंकि डस्टबिन है नहीं। डस्टबिन ना होने की वजह से लोग सारा कूड़ा जो है सड़क पर फेंक रहे हैं, सड़क पे कूड़ा होने की वजह से वहाँ बंदर और कुत्तों की समस्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हर रोज़ हर आदमी को उससे दो चार होना पड़ रहा है। तो अगर आपने घेराव करना है तो जाके आप उस कमेटी का कीजिए जो सोलन को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रही है।